हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। खुशखबरी, बुजुर्ग अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन, सत्यापन भी जरूरी नहीं। बता दें कि देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि देश के किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन निकाली जा सकेगी। इसके अलावा अब बैंक जाकर सत्यापन कराने की भी जरूरत नहीं है। दरअसल बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए एकीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी CPPS के प्रायोगिक परीक्षण में सफल समापन की घोषणा की है। श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि CPPS मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो विकेंद्रीकृत है और इसमें EPFO का प्रत्येक जोनल या क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। आपको बता दें कि CPPS में पेंशन शुरू होने के समय पेंशन भोगियों को किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी। मंत्री ने बयान में कहा कि प्रायोगिक परीक्षण 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ और जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक EPS पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए का पेंशन वितरित किया गया। इससे पहले नई CPPS प्रणाली की घोषणा के दौरान मांडविया ने कहा था कि CPPS EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए आई गुड न्यूज, हाईकोर्ट ने दिया ऐसा आदेश कि 24 लाख महिलाओं की हो जाएगी चांदी। गुजरात हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका के साथ साथ देश की 24 लाख महिलाओं के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका केंद्र या राज्य सरकार में सिविल पदों पर स्थायी कर्मचारी, आसान भाषा में कहें तो वे सरकारी पक्की नौकरी के हकदार हैं और इस फैसले से गुजरात में 1 लाख से अधिक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और देश में 24 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। दरअसल कोर्ट ने 30 अक्टूबर को आदेश जारी किया था। न्यायमूर्ति निखिल करियल ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सरकारी सेवाओं के समाहित करने के लिए संयुक्त नीति तैयार करें, केंद्र की योजना एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत उनकी नौकरी पक्की करें और गुजरात सिविल सेवा वर्गीकरण और भर्ती सामान्य नियम 1967 के तहत गुजरात में सरकारी सेवा में उन्हें शामिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए वेतन में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार विचार करने पर भी आदेश दिया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को सेविकाओं की सैलरी की बकाया राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय कहा कि इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं को जो वेतन दिया जाता है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को 10,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 5,500 रुपए, यह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को प्रतिदिन 4 घंटे काम के लिए मिलने वाली सैलरी से भी कम है। दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं की एंट्री से बैन हटाया, वीडियोग्राफी रील बनाने पर होगी पाबंदी। विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में महिलाओं के प्रवेश पर लंबे समय से लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब महिलाओं को कड़े नियमों के साथ परिसर में घूमने की अनुमति मिल गई है। महिलाएं अब 2 घंटे के विजिटर पास से एंट्री कर सकेंगी। वहीं महिलाओं को पर्दे का पालन करना होगा। वहीं इस दौरान वीडियोग्राफी और रील पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि 17 मई 2024 को दारुल उलूम प्रबंधन ने संस्था में शिक्षण कार्य के दौरान बाहरी महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। दारुल उलूम में मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने बताया कि अब सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा लिया गया है और वे अब कुछ नियम शर्तों के साथ इस संस्थान में प्रवेश कर सकेंगी। उस्मानी ने बताया कि गत 17 मई को दारुल उलूम के प्रबंध तंत्र ने दारुल उलूम परिसर में रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की शिकायत के चलते यहां पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।
अब हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचेगी LIC, चेयरमैन ने बताया कंपनी का पूरा प्लान। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC अब हेल्थ इंश्योरेंस क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी में है। दरअसल कंपनी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती ने बताया कि LIC मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। LIC के सितंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहंती ने कहा कि इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है और नियामकीय अनुमोदन मिलने के बाद कंपनी के पास एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी होगी। हालांकि उन्होंने अभी तक उस कंपनी का नाम उजागर नहीं किया है जिसमें LIC निवेश करने जा रही है। महाकुंभ से पहले साधु संतों की बड़ी डिमांड, लेकिन मंत्रियों के सुर बदले बदले, क्या मांग पूरी करेगी योगी सरकार। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी बीच साधु संतों की अन्य धर्म के लोगों के दुकान नहीं लगाने की मांग से हड़कंप मचा हुआ है। साधु संत लगातार राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुंभ के मेले में गैर सनातन धर्म के लोग दुकान न लगाएं, जिससे कि महाकुंभ की पवित्रता भंग न हो। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार सभी धर्म के लोगों को वोट पाकर बनती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक ही धर्म के लोग ही वहां पर दुकान लगाएं। महाकुंभ मेले को लेकर योगी सरकार लगातार बैठक कर रही है और कुंभ में योगी सरकार किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं चाहती है, और इसके लिए CM योगी आदित्यनाथ ने खुद महाकुंभ की तैयारियों की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और हर अपडेट ले रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर महाकुंभ की तैयारियों से अवगत भी कराया। फर्जी कॉल SMS से मिलेगी मुक्ति, सरकार ला रही है ऐसे कड़े नियम, जान लीजिए इसमें क्या खास होने वाला है। फर्जी मोबाइल कॉल और SMS से हर यूजर्स परेशान रहता है और इस मुद्दे पर सरकार कुछ ऐसे कड़े नियम लेकर आने वाली है जिससे कि यूजर्स को इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने उम्मीद जताई है कि फर्जी कॉल एवं संदेशों पर लगाम लगाने से संबंधित परामर्श पत्र पर व्यापक चर्चा के बाद नियमनों को यहां जनवरी तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके साथ ही लाहोटी ने कहा कि दूरसंचार विभाग के हालिया संदर्भ के आधार पर TRAI टेलीमार्केटिंग कंपनियों के लिए नियामकीय ढांचे से संबंधित परामर्श पत्र को भी तैयार करेगा और जारी करेगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में टाटा की धाक, अब इस देश ने कहा आओ मिलकर काम करें। सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत को एक अग्रणी देश बनाने के प्रयास केंद्र सरकार कर रही है और टाटा समूह इस सेक्टर में अब सबसे ज्यादा एक्टिव है। समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने चिप निर्माता एनालॉग डिवाइसेस और NXP सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोन जैसे वैश्विक कंपनियों के साथ चिप निर्माण के लिए समझौते किए हैं। वहीं टाटा समूह की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से सिंगापुर भी काफी प्रभावित है। सिंगापुर सरकार टाटा समूह के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स के निर्माण करना चाहती है। इसी साझेदारी को लेकर सिंगापुर के कानून और गृह मामलों के मंत्री KSANMUGAM के नेतृत्व में सिंगापुर सरकार के अधिकारियों ने इस हफ्ते टाटा समूह के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में RSS की गुपचुप फील्डिंग, हरियाणा वाली चाल से BJP का बनेगा काम, बटेंगे तो कटेंगे पर आखिर क्यों है जोर। बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमान संभाल रखी है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के ठीक बाहर RSS से प्रेरित लोक जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कुछ घरों का दौरा किया। इन कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को इस महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अधिक से अधिक वोट देने के लिए प्रेरित किया और बटेंगे तो कटेंगे के नारे को ध्यान में रखने को कहा। ये कार्यकर्ता हिंदी और मराठी में एक पन्ने का एक पर्चा बांट रहे हैं जो कि लोगों को CM योगी के मंत्र बटेंगे तो कटेंगे की याद दिलाता है और अप्रैल जून के आम चुनाव परिणामों से सीख लेने के लिए कहता है। 48 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई थी और इस पर्चे में लोगों से कहा गया है कि वो उन लोगों से सावधान रहें जो संविधान आरक्षण और SC ST के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं और ऐसी सरकार को चुने जो जमीन जिहाद, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, पत्थरबाजी और दंगों पर रोक लगाए।
जयपुर पुलिस ने एक साथ 10 बदमाशों की खोली हिस्ट्री सीट। नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। राजधानी जयपुर की पुलिस ने आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक साथ 10 बदमाशों की हिस्ट्री सीट खोली है और इनमें एक महिला क्रिमिनल भी शामिल है। हिस्ट्री सीट खुलने के बाद ये आदतन बदमाश अब पुलिस के रडार पर रहेंगे और इन सभी आदतन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, जानलेवा हमला, धोखाधड़ी, नशे की तस्करी और जमीनों पर कब्जे जैसे कई गंभीर किस्म के केस दर्ज हैं। अब पुलिस इन पर कड़ी निगरानी रखेगी। पुलिस के मुताबिक जिले में आदतन अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत इन बदमाशों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब पुलिस इन सभी 10 हिस्ट्री सीटर पर बारीकी से नजर रखेगी और ये सभी क्रिमिनल आए दिन कोई न कोई वारदात करते रहते हैं। इसके कारण इनके खिलाफ केसेस की लंबी फहरिस्त है। ये अपराधी मामूली बात पर भी कोई अपराध करने से नहीं चूकते हैं। रेलवे ने यात्रियों को दिया ट्रिपल गिफ्ट। हुबली जाना हो या फिर जबलपुर, तसल्ली से करें सफर। रेलवे ने दिवाली और छठ के बाद अब यात्रियों को फिर से बड़ा तोहफा देते हुए उनके सफर को आसान करने का प्रयास किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान से जुड़े हुई हुबली भगत की कोठी हुबली स्पेशल ट्रेन के संचालन के साथ ही जबलपुर अजमेर ट्रेन और जम्मू तवी बाड़मेर ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगा दिए हैं। इससे कि यात्रियों को राहत मिलेगी और उनका सफर आसान हो सकेगा। रेलवे त्योहारों के कारण लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बढ़े हुए यात्री भार के मद्देनजर जबलपुर अजमेर ट्रेन में आगामी 7 दिनों के लिए एक थर्ड AC कोच बढ़ा दिया गया है। जबलपुर अजमेर ट्रेन में यह 8 नवंबर से और अजमेर जबलपुर ट्रेन में 9 नवंबर से आगामी 7 दिनों के लिए एक कोच बढ़ाया गया है और इससे इस मार्ग पर लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जम्मू तवी बाड़मेर ट्रेन में भी 9 से 14 नवंबर तक एक सेकंड क्लास स्लीपर कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को समोसे मिल गए। महाराष्ट्र में खुद पवन खेड़ा ने किया ऑफर तो हिमाचल के सीएम ने पूछ लिया, क्या यहाँ भी राजनीति समोसे की हो रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। तब मैंने पूछा कि यहां जो राजनीति हो रही है वो समोसे पर है या फिर विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर। सच का हमेशा झूठ से सामना होता है लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ऑपरेशन लोटस हुआ। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद पहले ही कैबिनेट मीटिंग में राज्य के सभी सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगला चुनाव 2027 में होने वाला है और हमको अपने वादे 5 साल में पूरे करने होते हैं, मगर हमने पहले ही दिन इसे पूरा किया है। और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए गए। 60 साल तक मंदिर की सेवा करने वाले हाथी को मिलेगा सम्मान। कई लाख की लागत से बनेगा मंडपम। रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि रामेश्वरम रामनाथपुरम जिले में स्थित है, वहां पर पिछले 60 वर्षों से हाथी भवानी ने भगवान शिव और देवी अम्बाल के रथ यात्राओं का नेतृत्व किया और यहां पर भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद यह हाथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। भवानी का मंदिर में योगदान न केवल भक्तों के लिए एक विशेष आशीर्वाद था बल्कि वह इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन चुका था। रामनाथ स्वामी मंदिर में 60 वर्षों तक सेवा देने वाला भवानी हाथी जो रथ यात्राओं में मुख्य भूमिका निभाता था, 2012 में कोयम्बटूर जिले के हेक्कमपट्टी में एक जलभराव में फंसकर दुखद रूप से मर गया और इस घटना ने न केवल मंदिर प्रशासन बल्कि यहां आने वाले लाखों भक्तों को गहरा सदमा पहुंचाया। उसके बाद उसका शव रामेश्वरम लाकर मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर दफनाया गया। इसके बाद हिंदू धार्मिक और धार्मिक कार्य विभाग द्वारा यहां पर मणि मंडपम बनाने का निर्णय लिया गया था। मणि मंडपम का निर्माण इस महान हाथी की याद को संजोने और उसकी भक्ति को सम्मान देने के रूप में किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने को डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार, एलन मस्क ने कर दिया इशारा। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस संभालने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का बार बार वादा किया है। यहां तक कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की से भी बात की है। ट्रंप की ओर से कुछ ही जानकारी सामने आने के बाद यहां एक कथित योजना का विवरण भी सामने आया है जो कि युद्ध की दिशा बदल सकता है।
ट्रंप के करीबियों ने कहा कि उनकी योजना में युद्ध को रोकने की कोशिश में रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच 800 मील का बफर जोन लागू करने के लिए यूरोपीय और ब्रिटिश सैनिकों को बुलाना शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि रूस यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों को बनाए रखेगा और कीव 20 साल के लिए नाटो में शामिल होने की अपनी योजनाओं को अलविदा कह सकता है। ये विवरण तब सामने आए हैं जब जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस को खुश करने के लिए कोई भी शांति समझौता यूरोप के लिए आत्महत्या के बराबर होगा। हालांकि यह ट्रंप द्वारा विचार की जा रही कई योजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि वे जनवरी में पदभार संभालने से पहले रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू करेंगे। ओबीसी नाम सुनते ही कांग्रेस चिढ़ जाती है। पीएम मोदी ने आखिर क्यों किया अंबेडकर के पंच तीर्थ का जिक्र, दी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकोला में कहा कि जिस किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है वह राज्य पार्टी के शाही परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। पीएम मोदी ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अकोला में एक चुनावी प्रचार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बने हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली कर्नाटक और तेलंगाना में डबल हो गई है। आरोप है कि कर्नाटक में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली करवाई है। पंजाब का किसान महीने में कमाता है 31,433 रुपए तो हरियाणा का किसान 25,655 रुपए। जान लीजिए यूपी बिहार के फार्मर की कितनी है आय। भारत में कृषि और किसान हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, रहे भी क्यों ना। भारत एक कृषि प्रधान देश जो ठहरा, इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जीवन यापन के लिए खेती पर ही निर्भर है। देश की किसानों की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है और यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। देश के कुछ राज्यों में तो किसान परिवारों की स्थिति बेहद खराब है, वो सालाना बहुत कम कमाई कर पाते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 के देश में पंजाब के किसान परिवारों की आय सबसे ज्यादा है। पंजाब का किसान परिवार औसतन हर महीने 31,433 रुपए कमाता है। हरियाणा में कृषक परिवार की औसत मासिक आय 25,655 रुपए है। इन दोनों ही राज्यों की कमाई की तुलना में आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान परिवारों की सालाना आय बहुत कम है। दरअसल यूपी का किसान परिवार 10,847 रुपए कमाता है, वहीं बिहार की औसत मासिक आय 9,252 रुपए है जो देश में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय में 5 सालों में 53% की वृद्धि हुई है जो कि 8,931 रुपए से बढ़कर 13,661 रुपए हो गई है। हिमाचल की सीआईडी ने 21 समोसे और 2 केक मंगवाए थे, इतना बन गया था बिल, हो गया इस पर खुलासा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 21 अक्टूबर 2024 की तारीख सीआईडी विभाग शायद ही भूल पाएगा क्योंकि इस दिन हुआ समोसा कांड देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। सुक्खू सरकार के पास सफाई देने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं और अब इन समोसों और केक की कीमत के बारे में भी जानकारी सामने आई है। दरअसल शिमला के 3-स्टार होटल रेडिसन ब्लू ने से ये समोसे मंगाए गए थे और यह शिमला के सबसे महंगे होटलों में शुमार है। होटल रेडिसन के वाइस प्रेसिडेंट ने अब 21 अक्टूबर की बात बताई। एक मीडिया चैनल से बातचीत में होटल के उपाध्यक्ष ने बताया कि एक प्लेट में 3 समोसे परोसे जाते हैं और यह प्लेट टैक्स मिलाकर 400 से 450 रुपए तक बिकती है। उन्होंने बताया कि उस दिन 2 लोफ केक भी ऑर्डर किए गए थे जिनकी कीमत 450 रुपए थी। उन्होंने बताया कि एक समोसा करीब 150 रुपए का था और एक प्लेट में 3 समोसे रहते हैं, एक प्लेट 450 रुपए के करीब पड़ती है। उन्होंने बताया कि कुल 21 समोसे खरीदे गए हैं, ड्राई केक को काटकर करीब 12 पीस बनते हैं जिसकी कीमत 450 रुपए है। ऐसे में तकरीबन 4,150 रुपए के करीब बिल इन समोसे और केक की खरीद पर होटल रेडिसन ब्लू को चुकाया गया था। मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन, उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब, शिंदे के आरोप पर भी बोले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना में फूट, महायुति के आरोपों और महाविकास अघाड़ी के समन्वय से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए। महायुति की ओर से फिलहाल ये आरोप लगाया जा रहा है कि MVA के कार्यकाल में विकास कार्यों में देरी हुई। इन आरोपों का जवाब देते हुए ठाकरे ने कहा कि अगर हमने विरोध किया होता तो क्या वे MVA सरकार को उखाड़ फेंकने
लेकिन एक कुछ दिनों के भीतर अटल ब्रिज का उद्घाटन कर पाते। उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि मेट्रो का कोई विरोध नहीं है, बल्कि हम आरे में पर्यावरण को हो रहे नुकसान का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि धारावी के मुद्दे पर बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि धारावी का विकास करें, वहां लोगों को घर देकर उनका विकास करें, उन्हें धारावी से बाहर निकालकर और बाहरी लोगों को वहां लाकर नहीं। ठाकरे ने आरोप लगाया कि लोगों को कोलीवाड़ा में जगह चाहिए, वे मछली सुखाना चाहते हैं, वे अपनी नावें कहां रखेंगे, वे मुंबई के महत्व को खत्म करना चाहते हैं और मुंबई के वित्तीय केंद्र को स्थानांतरित करना चाहते हैं। यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल घातक हथियारों में निकला वो सामान जिससे खुल गई रूस की पोल। रूस ने हमेशा से ही इस बात का विरोध किया कि पश्चिमी देश उसके और यूक्रेन के बीच संघर्ष को बढ़ाने का काम करते आए हैं, और इतना ही नहीं, क्रेमलिन ने कई दफा अमेरिका समेत नाटो के सदस्य देशों को चेतावनी भी दी है कि अगर उसे पता चलता है कि उसने यूक्रेन को न्यूक्लियर या फिर कोई अन्य घातक हथियार मुहैया करवाए हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ हुआ है, तो साफ तौर पर नाटो और रूस के बीच जंग की शुरुआत होगी, जिसका नतीजा परमाणु युद्ध का आगाज भी हो सकता है। लेकिन अब एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिसने खुद रूस की ही पोल खोल दी है। यूक्रेन को हथियारों की मदद के लिए पश्चिमी देशों पर भड़कने वाला रूस खुद उन्हीं देशों की मशीनरी का इस्तेमाल अपने हथियारों में कर रहा है। यूक्रेन की रक्षा खुफिया निदेशालय GUR का दावा है कि उसे पिछले महीने दोस्ताना फायरिंग में गिराए गए रूसी S-70 ओखोटनिक बी हंटर बी फ्लाइंग विंग अनमैंड कॉम्बैट एयर व्हीकल के दर्जनों ऐसे कंपोनेंट्स मिले हैं जो कि पश्चिमी देशों में बनाए गए थे। नए CJI की चुनौती बढ़ाकर जा रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़। रिटायरमेंट के साथ ही उठने लगे सवाल। 11 नवंबर का हफ्ता शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ का 3103 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है और इस दौरान वह 732 दिन यानी 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक चीफ जस्टिस CJI रहे। SH कपाड़िया 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012 के बाद इतना लंबा कार्यकाल पाने वाले व सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल केवल इसी बात के लिए याद नहीं किया जाएगा। अपने विदाई समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने चुटकी भी ली कि उनके रिटायरमेंट के बाद वे ट्रोलर्स बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ट्रोल होने की वजह भी बताई और कहा कि जब आप अपनी निजी जिंदगी लोगों के सामने लाएंगे तो सोशल मीडिया के जमाने में ट्रोल होने का जोखिम रहेगा ही। आज का सुविचार, भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं जो अगर उनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।